YouTube की तरफ से ये जो नया MLA अपडेट आया है, इसके आने के बाद YouTube क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। अगर आप लोग भी एक YouTube क्रिएटर हो तो आप लोग अब इंडिया तक सीमित नहीं रहोगे। अगर आपके वीडियोस अब तक बस इंडिया में देखे जाते थे तो अब आपके वीडियोस US, UK, डच कई जगह देखे जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये जानने के लिए पूरा वीडियो देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो इस अपडेट का नाम है MLA अपडेट, मल्टी लैंग्वेज ऑडियो अपडेट। इस अपडेट के आने के बाद आप लोगों की जो वीडियो है, आपने किसी भी लैंग्वेज में बनाई हो, हिंदी में, इंग्लिश में, आप लोग अब उसे किसी भी लैंग्वेज में सुन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वीडियोज अभी मैं हिंदी में रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को हिंदी नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को केवल इंग्लिश आती है, तो आप लोग इस वीडियो को इंग्लिश में भी सुन पाओगे। अब तक केवल सबटाइटल्स नीचे लिखे आते थे कैप्शन के रूप में, लेकिन अब आप लोग सुन सकते हो और आप लोगों को वॉइस बिल्कुल रियल तरीके की आने वाली है। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको गूगल असिस्टेंट द्वारा बोला जा रहा है। वीडियो में अब आप किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। अब तक बस 12 लैंग्वेजेस का सपोर्ट आया, अभी मैं आप लोगों को ट्रायल करके बताने वाला हूं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो अभी यहां पे मैंने आप लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा फेमस यूट्यूब चैनल मिस्टर बीस्ट का यूट्यूब चैनल खोल लिया है। इस चैनल को खोलने का मकसद मेरा ये है कि जो आप लोगों का नया MLA अपडेट आया है वो इनके वीडियोस पर लाइव हो चुका है। अभी जो इसके ट्रायल्स चल रहे हैं तो सारे वीडियोस के नहीं आए, लेकिन इनके चैनल पर जाके आप इस नए अपडेट को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो इस अपडेट में आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग कोई सा वीडियो इनका ओपन कर लेना होगा। मैं इनके वीडियो को चलाऊंगा नहीं, ताकि मेरे वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, सेटिंग्स के बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप लोगों को एक नया ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑडियो ट्रैक का, या आप लोगों को नया ऑप्शन देखने को मिलेगा YouTube सेटिंग्स में। उसके बाद जैसे आप लोग उस पर क्लिक करते हो, आप लोगों को 12 नए लैंग्वेजेस का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इन 12 लैंग्वेजेस में आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर ये वीडियो हिंदी में है और आप लोगों को डच लैंग्वेज में सुनना है, पोर्चुगीज में सुनना है, जो भी लैंग्वेजेस यहाँ पे अवेलेबल है, उनमें किसी भी एक लैंग्वेज पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। जिस भी लैंग्वेज पर आप लोग क्लिक कर दोगे, फिर उसी लैंग्वेज में आप लोगों का वीडियो प्ले होगा। और यही इस फीचर की नई खासियत होने वाली है, इस अपडेट का नया फीचर होने वाला है कि जिस भी लैंग्वेज को आप लोग सेलेक्ट कर रहे थे, वीडियो उसी लैंग्वेज में प्ले होने वाला है। YouTube की तरफ से बहुत अच्छा अपडेट आया। इससे क्या हो कि अगर आप लोग इंडियन क्रिएटर हो, आप लोगों की वीडियोस केवल वही देख पाते होंगे अब तक जिन लोगों को हिंदी आती होगी या जो लोग इंडिया में रहते होंगे। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आप लोगों की वीडियो किसी भी लैंग्वेज में चुना जा सकता होगा, हो सकता है आने वाले टाइम में 12 लैंग्वेजेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएं। तो अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा है, उसे भी आप लोगों का वीडियो सुनने में दिक्कत नहीं होगी। वो सिंपली जाकर लैंग्वेज को इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेगा और आप लोगों के हिंदी वाले जो वीडियोस को वो इंग्लिश में काफ़ी आसानी से सुन सकता है। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा इस अपडेट को जानने में, कि इस अपडेट के आने के बाद आप लोगों की रीच जो है बाहर तक बढ़ जाएगी। आप लोगों को इंटरनेशनल सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है अपने YouTube चैनल पे। आप लोगों की जो फॉलोइंग है वो आप लोगों को बाहर की भी देखने को मिल सकती है। तो इससे आप लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, रीच भी बढ़ेगी, आप लोगों को ओवरऑल फायदा ही होने वाला है इस अपडेट के आने के बाद से। अभी आप लोगों को लिमिटेड जगह पे देखने को मिलेगा, अभी ये ऑन ट्रायल है, लेकिन आप लोगों को आने वाले टाइम में हो सकता है पूरे YouTube पे देखने को मिल जाए अगर ये अपडेट आता है। वैसे आ ही चुका है, तो अभी आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।